केशव कॉलिंग। हेलो। हेलो सर, मैं पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस से बात कर रही हूँ। आपकी वो कोई लोन की रिक्वायरमेंट हो सकती है सर? हाँ मैडम, होम लोन की लोन या रिक्वायर मॉर्गेज? वो लोन की रिक्वायरमेंट है ना मैडम, मेरे को कितना रिक्वायरमेंट है सर? 25 लाख भी हो जाता है मैडम अपना। अच्छा, होम लोन और मॉर्गेज लोन सर? होम लोन भी बोल सकते हैं, मॉर्गेज लोन भी, जैसा बोले वैसा लोन, बट अर्जेंट में हो ना मैडम अपने को, अर्जेंट में 10-15 दिन के अंदर हो जाता है दस सर दस लोन? दिन के अंदर जो डॉक्यूमेंट वगैरह सब रेडी है अपने, मैं भी हाँ फाइल, क्योंकि अपना एक्चुअली जो कंसेप्ट है ना, वो हाँ अपने को आईपीएल के लिए लोन लगता है मैडम, हर साल लग लेते हैं अपन। अच्छा जो अच्छा आईपीएल जो इंडिया का त्योहार है ना, हाँ 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 वो त्योहार के लिए लोन लेते हैं अपन। और ओके त्योहार कैसे, अपन दिवाली दशहरा होली मनाते हैं मैडम, हाँ वैसे हम लोग आईपीएल का त्योहार मनाते, बिल्डिंग को पूरी पेंटिंग वगैरह, फिर पूरे घर बिल्डिंग को सजा डालते, फिर 400-500 कुर्सियां रहती, 10 सोफे रहते, बड़ी एलसीडी रहती बिल्डिंग के ऊपर, फिर वहां लोग जो टीवी वगैरह देखते कि नहीं, हाँ तो वो अपन वो एक त्योहार जैसा मनाते मैडम पूरा आईपीएल। ओके। हाँ तो मॉर्गेज लोन चाहिए? हाँ, मतलब आपका घर वगैरह है उसके अगेंस्ट में दे सकते हैं सर किसी भी के लोन? अगेंस्ट तो दो, पर अपने को 1 साल के लिए होना, क्योंकि अगर सर फिर लेना पड़ेगा ना अपन मैडम, ये समझ लो 25 लाख का अगर लोन निकालते हैं, 25 लाख खर्चा करते हैं, तो अपन कम से कम समझ लो कम से कम 50 लाख रुपए और कमा लेते मैडम, मतलब 75 लाख रुपए का धंधा अपन एक डेढ़ महीने में कर लेते। जो लोग वहाँ ओके। आईपीएल में बैठ के सौदे वगैरह करते हैं मैच के, तो और उनसे फिर क्या अपन जॉब या बिजनेस करते हैं सर आप? वही भी मैडम, जैसे 40-400 लोग बैठे, 10-20 लोग सोफे, 10 सोफे रहे, सोफे लोग बैठते ना आईपीएल में मैच देखते, मैच पे अच्छा, फिर सौदे काटते, सौदे काटने के बाद फिर उनसे अपन कमीशन बैटिंग लेते, लगाते। बैटिंग लगाते अपन कमीशन खाते मैडम उनका। एक्चुअली मतलब वो ओके। उसको नाल वगैरह निकालते ना, उस टाइप का काम है वो, तो जो फिर पेमेंट जो... और कोई वर्क नहीं करते मतलब नहीं कोई? नहीं साल में यही तो और 50 लाख रुपए कमा लेते साल भर में, ये डेढ़ महीने में, उसके बाद ओके कोई काम करके काम मतलब ही नहीं है। पर अपन ठीक है। अगर मैडम मिलना रहा खाना तो खाना कहाँ पे मिल सकते हैं सर आप? पीना सुन लो मैडम, ये जो कंसेप्ट एक्चुअली पूरा सुन लो आप, बच्चों को नए कपड़े गिफ्टे, हम लोग सब नए नए कपड़े पहन के नहीं गया, वो सब वगैरह करते बिल्डिंग के ऊपर, हाँ। और 2-2.5 लाख रुपए हम लोग फटाके फोड़ते हैं, जो दिवाली में फटाके फोड़ते हैं उससे ज्यादा फटाके हम लोग आईपीएल में फोड़ते हैं मैडम बिल्डिंग के ऊपर। 50 लाख 25-25 लाख रुपए लोन लेते हैं मैडम, वो 75 लाख रुपए पर निकाल लेते हैं लोन से, जो ओके। नाल अरे निकालते हो नाल से, यही अपना मेजर बिजनेस है। ऐसा वाह। ऐसा बड़ा कंसेप्ट रहता है हम लोगों का। और फिर जैसे मुंबई इंडियंस की मैच है उस समय बकरा काटा, जैसे मुंबई इंडियंस की मैच है उस समय पर खाना वगैरह देते सब लोगों को। अभी तेंदुलकर का लड़का भी मुंबई इंडियंस में आ गया ना, तो उस समय फिर इंडियंस की 13 मैच इंडियंस की रहेगी, तो 13 मैचों में बकरा काटूंगा, अच्छा मतलब वो अच्छा भी मेरा नॉनवेज का खाना हो जाता है उन लोगों के लिए। अच्छा मुंबई अच्छा इंडियंस की मैच रही उस समय नॉनवेज खाना रहता, इस बार तो बड़े ओके। पैमाने पर खाना खिलाऊंगा, क्योंकि मुंबई इंडियंस एक अपनापन है और अच्छा तेंदुलकर का लड़का खेल रहा है भी अपनापन है, तो अच्छा इंडियंस मुंबई इंडियंस के बारे में स्पेशल ध्यान रहता अपना। अच्छा और उसके बाद जो वैसे अपन लाते बैंक वगैरह के, वो वापस कर देते हैं। हाँ। उसके बाद जो जो लोग हारते ना मैडम, जिनको 50 लाख 60 लाख रुपए हारी हाँ हो जाती ना, उन सब लोगों को हम लोग प्लेन से बैंकॉक लेके जाते हैं, अच्छा दो तीन अच्छा दिन वहाँ ऐश वगैरह कराते, बैंकॉक लेके जाते, 2-3 दिन मसाज वगैरह कराते उनको, मतलब उन लोगों जो मॉरल पावर जो कम हो गए ना मैच सट्टे में, जो पैसे में हार के, वो उनका मॉरल पावर भी वापस लेके आते हाँ हैं, मतलब उनकी अच्छा बद्दुआ नहीं लगती मैडम अपने को। तो ये सब हमारा कंसेप्ट हर साल करते अच्छा हैं मैडम लोग, और हमारे क्लाइंट लोग ना मैडम इतने सालों से रेगुलर हमारे पास ही आते खेलने के लिए। ठीक है। अगर मिलना रहा तो कहाँ पे मिल सकती है सर? और जो घर पर ही आओ ना प्रॉपर्टी मैडम, वो घर कहाँ पर पे? भी अभी तो बिल्डिंग विल्डिंग सजाना, पेंट वगैरह हो गया, अभी सीरीज किसी का काम चालू है, एक बार आओ अपने घर वगैरह देख लो, घर का जो बड़ा कंसेप्ट वगैरह देख लो, क्या क्या है। आईपीएल पे जो लोग पेंटिंग पे करते हैं अपने घर में बैठ के, उनकी नाल निकालते हैं ओके अपन, ओके। वो मैं जो सर से पचास लाख बात करवा दूंगी आपकी सर कल से बात सुबह। करा दो, सर से बात करा हाँ दो, और अर्जेंट में कर दो मैडम, अर्जेंट में कर दो। हाँ ठीक है ना सर। हाँ ओके 25 लाख हो ना अपने को, ज्यादा नहीं ना, 25 लाख भी हो जाता अपना, वो ठीक आईपीएल है सर, ठीक त्योहार है। के लिए, त्योहार का लोन करके, वैकेशनल लोन करके इसको कोई बोलो आप, मैं घर के डॉक्यूमेंट वगैरह पूरे दे दूंगा आपको। मेरे डॉक्यूमेंट घर वगैरह मैडम 5 करोड़ की बिल्डिंग है मेरी, अच्छा हाँ हाँ 5 करोड़ की बिल्डिंग के पूरे डॉक्यूमेंट दे दूंगा आपको, जो लगता है वो सब दे दूंगा मैं आपको, बट लोन थोड़ा जल्दी करो, क्योंकि आईपीएल के पहले सब तैयारी होने को ना। बराबर। ठीक है सर, मैं बात करवा दूंगी सर से। बात ठीक करके मेरे को फोन करो मैडम, और सर से जल्दी बात कल सुबह। करके थोड़ा लोन का थोड़ा फाइनल कर लेना, बोलना आईपीएल के लिए लोन ना। हाँ हाँ सर, आपसे मिलने के लिए आ जाएंगे। ठीक हाँ है। नहीं बस सर से मिलने के लिए पहले मेरे को फोन करके आना, क्योंकि कब रहता कब नहीं नहीं रहता नहीं मैं। कॉल ही करेंगे ना, उनको क्या पता आपका एड्रेस हो है ना। ठीक जी, थैंक यू मैडम। केशव कॉलिंग।